क्या वजह थी जो 10 दिन के हनीमून को बीच में कैंसिल कर सुशील ने आपको आपके मायके छोड़ा और उसके बाद ये सब? सर, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम हनीमून से जयपुर लौटे तो उसकी एक रात पहले ही होटल रूम में, तुम जाओ ना, मैं आज नहीं खाऊंगी, ये देखो मैंने पेट दर्द की दवाई भी ले ली है, थोड़ी देर में सो जाऊंगी और फिर होश भी नहीं रहेगा कि तुम यहाँ हो या नहीं। पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? तुमने कहा था ना, जैसा मैं बोलूंगी तुम वैसा करोगे, तो अब मेरी बात मानो, जाओ खाओ पियो और घूम के आ जाओ। लेकिन सुलक्षणा, देखो तुम्हें मेरी कसम, अब मेरी बात मानो और जाओ। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो, पर अपना ख्याल रखना, ठीक है? उनका फोन बिजी जा रहा था, मैंने पूरे होटल में उन्हें ढूंढा और जब मैं स्विमिंग एरिया में पहुंची। अरे एक बार बोला ना, मुझे बात नहीं करनी है, बार बार फोन करके परेशान मत करो। सुशील क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो सुशील, 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 क्या हुआ बताओ तो सही, बात क्या है? सुशील, सुशील बोलिए ना। सुशील ये बैग्स क्यों पैक करके रखे हैं? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने होटल वालों को बोल दिया है, हम आज ही चेकआउट कर रहे हैं, वापस जाना है। पर सुशील हमें आया अभी तो। सुशील, यशोदा जी आप ही थी सुशील की मौत से पहले जिससे उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता सर, जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने हनीमून के प्लान को बीच में ही क्यों कैंसिल कर दिया तो उन्होंने कहा। सुशील तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे, क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ पर्सनल रीजन की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा, मैं सुलक्षणा को लेने जल्दी वापस आऊंगा। वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, वो माँ बेटी सब झूठ बोल रहे हैं, उसने जरूर मेरे बेटे से हनीमून पे झगड़ा किया होगा। अरे मेरा बेटा तो उसे बहुत पसंद करता था, उस पे जान छिड़कता था वो, इसीलिए तो उसे ये झगड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहाँ चली गई मेरी अंजना? और वो सुलक्षणा के साथ क्यों भागेगी, कहाँ गए होंगे ये दोनों? यशोदा ने बहुत गलत किया सुलक्षणा के साथ, आखिर सुशील के मौत में सुलक्षणा का कहाँ दोष? मैं कहती रही पर यशोदा ने मेरी एक भी नहीं सुनी, अब कहाँ ढूंढने जाऊँ अपनी बच्ची को, और यशोदा का भी कोई पता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा है जिसकी यशोदा जी से कोई दुश्मनी हो? मुझे नहीं मालूम साहब, आप तो बस मेरी बच्ची और यशोदा को ढूंढ दीजिए साहब, यशोदा को ढूंढ दीजिए। सर मम्मी की अगर किसी से नहीं बनती थी तो बस मेरी बहन सुलक्षणा से। क्या हुआ मम्मी? कोई भी काम को इतना भारी क्यों बना देती है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती तू, हर चीज में इतनी पनौती लगाने की क्या जरूरत है? कोई भी काम को अगर तू नहीं करना चाहती है तो जाकर चुपचाप से कमरे में बैठ जा, कम से कम तेरी मनु शक्ल तो देखने नहीं पड़ेगी। क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही है आप? अच्छा बड़ी तरफदारी कर रहा है तू इसकी, और वैसा तो तेरी इसे बिल्कुल नहीं बनती है, और आज तेरे को बड़ा भाईचारा सूझ रहा है, अरे तुम दोनों तो मुझे पागल करके छोड़ोगे। मम्मी और दीदी दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, पर सब कुछ इतना जल्दी बदलेगा मैंने सोचा भी नहीं था,
सुलक्षणा भाग गई या उसका जो कुछ भी है मुझे नहीं मतलब उससे। सर पर मेरी मम्मी, सर मेरी मम्मी को ढूंढ दिया सर, प्लीज सर। अभिमन्यु, इस वरुण के बारे में अच्छे से जानना होगा हमें, तभी इसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। सर वरुण के बारे में सबसे अच्छे से उसका दोस्त यही बता सकता है। तो ढाला उसको थाने, देखते हैं क्या उसके पास बताने के लिए। यस सर। जी, और उसके दोस्तों को दिखाया। ये एक मिला बाकी भाग गए। क्यों गए? क्यों क्यों रहा था? अबे भाग क्यों रहा था साहब को देख के? हमने तो तुझे पूछताछ के लिए बुलाया। वो साहब जुआ खेल रहा था ना, तो लगा साहब उसके लिए पकड़ने आए। अच्छा एक बात बता, हमने सुना है वरुण बहुत खुश हुआ करता था अपनी बहन के रिश्ते टूटने पर। और क्या पियोगे? अरे बोलो यार, दिल खोल के बोलो, आज तो सारे ब्रांड है अपने पास। क्या बात है वरुण, आज कोई लॉटरी लगी है क्या? डॉक्टर याद है क्या जो दीदी को देखने आने वाला था, यूएस वाला? हाँ हाँ भाई। क्या हुआ उसको? अरे हमने सोचा था यार इस बार इतना अच्छा रिश्ता आया है, इस बार तो मैडम हाँ बोली देगी। हाँ नहीं बोला क्या? ऐसी बात नहीं है, इस बार उसने नहीं सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, मना कर दिया डॉक्टर साहब ने। अब जाकर कोई मिला जो उसको होश में लेके आएगा। चल इसी बात पे चेयर्स मारते हैं। चेयर्स। वरुण बहुत नफरत करता है सर अपनी बहन से। तो तुझे क्या लगता है, वरुण ने ही अपनी बहन को गायब किया होगा ना? मुझे नहीं लगता साहब कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा, आखिर कुछ भी हो वो उसकी बहन है। क्या सत्या, सुना है तू वरुण का बहुत खास दोस्त है, उसके खास कामों में भी मदद करता है क्या? देख सत्या, सच सच बता दे जो भी जानता है, वरना बाद में कुछ भी बताने में बहुत तकलीफ होगी तुझे। हाँ पीता हूँ, दारू भी पीता हूँ, बोल क्या कर लेगी? मावर दीदी को बोलेगी? जा बोल दे। चुगलखोर नहीं की। तो वरुण और रंजना की भी नहीं बनती थी? सर वरुण की तो किसी से नहीं बनती थी। जय और तुम सबका क्या? सर हम सब तो खा पी के मस्त रहते थे। अगर तुम और मेघना एक दूसरे को इस हद तक चाहते थे फिर दोनों ने शादियां क्यों की? सर मुझे नहीं पता मेघना से प्यार करना सही है या गलत, पर अगर मेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए प्यार जागा तो इसमें मेरी क्या गलती? हमारे समाज में इन सब रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं है, पर मैं और मेघना हम तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। सुशील और उमेश दोनों बेवकूफ किस्म के इंसान थे, हमें लगा हम आसानी से उनके पीठ पीछे मिल सकते हैं, सिर्फ इसीलिए मैंने सुशील से और मेघना ने उमेश से शादी कर ली। हमें लगा वो कभी हमारे लिए मुसीबत बन ही नहीं सकते। सुलक्षणा से तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? सुलक्षणा से पहली मुलाकात एक करियर काउंसलिंग के दौरान हुई, वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई और हमें प्यार हो गया। जय, उसे मारने के पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था? वो इन सब के बीच में कैसे आया? आप लोगों ने जब मुझे कमरे से निकाला तो मैं वापस मेघना से मिलने लगी और इसी दौरान जय ने हम दोनों को देख लिया। वो इस बात का गलत फायदा उठाना चाहता था। देख लो, लोगों को पता चला ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी दोनों। वैसे मेरी डिमांड इतनी बड़ी भी नहीं है, सिर्फ तुम दोनों और मैं, सबके मजे। क्या क्या बोलती हो? जय ने खुद अपनी मौत को दावत दी, वो हमारे लिए खतरे की घंटी बन गया था।
इसलिए उसे छोड़ना हमारे लिए बेवकूफी होती। चाय देना है। हेलो, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ, मैं बस अभी आया। सुलक्षणा, हम दोनों ने तय किया था कि अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। अब हमारे बीच आने वाला कोई नहीं बचा था, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। सुलक्षणा एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, और इसीलिए हमने ये सब किया। तुम दोनों ने ये तो सोचा कि इन सबको मारने के बाद कोई तुम्हारे बीच में ना आए, पर शायद ये भूल गए कि जुर्म का रास्ता सिर्फ एक ही मंजिल पर खत्म होता है, जेल। आदित्य बाबा, तुम रो मत, चुप हो जाओ, आ जाएगी मम्मी। कहाँ है मम्मी, अभी तक क्यों नहीं आई? हो सकता है ऑफिस के काम की वजह से लेट हो गई हो। हाँ, तुम रो मत, चुप हो जाओ, शायद रास्ते में ही हो मम्मी। माधुरी आई? नहीं साहब, इतनी देर हो गई, अभी तक मैडम घर पे नहीं आई। मैंने उनको फोन भी किया लेकिन उनका फोन भी बंद है। इतनी देर हो गई इसलिए मैंने आपको फोन किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है? माधुरी का फोन स्विच ऑफ है। विक्रम कहाँ है? वो तो दोपहर में अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए थे। मैंने उनको भी फोन किया था लेकिन उनका भी फोन नहीं लगा। आदित्य, मत रोना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कब से फोन बंद है इनका? कल शाम से। और कल शाम को तुम्हारा भी फोन बंद था? मोबाइल की बैटरी लो थी, फिर बाद में स्विच ऑफ हो गया। तुम इनके सगे भाई हो? हाँ सर। क्या काम करते हो? कंपनी में सेल्स ऑफिसर हूँ, काम की वजह से शहर से बाहर रहता हूँ। आखिरी बार कब देखा था तुमने माधुरी को? कल सुबह ऑफिस जाते वक्त। अरे, माधुरी का बेटा अब कहाँ है वो? घर पे, आया के साथ। तुम्हारे घर में और कितने लोग हैं? हम तीन लोग हैं सर, और कोई नहीं। और तुम माधुरी के साथ ही काम करते हो ना? जी, मैं भी इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, हम दोनों सेम रैंक पे काम करते हैं। तुमने माधुरी को सबसे आखिरी बार कब देखा था? कल दोपहर में साथ में लंच करने के लिए गए थे। अच्छा, ये देखो, नए शादी का इनविटेशन कार्ड का सैंपल, इसे छापने दे। अच्छा है, पर इसका कलर थोड़ा सा, मतलब मैं अभी आई।
सॉरी राजेश, मुझे अभी जाना पड़ेगा। वो रविकांत सर का फोन था, कुछ अर्जेंट काम है। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। सॉरी मंसूरे, एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो अकेले ही अपना घर, नौकरी और बच्चा संभालती थी, शादी करने जा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं और फिर एक दिन वो कहीं गायब हो जाती है। सर, ये भी तो हो सकता है कि उसे किसी ने गायब कर दिया हो। और एक बात सर, ये राजेश और विक्रम, इन दोनों के बीच में कुछ अनबन है। नजर रखो दोनों पे और माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लो। माधुरी की सारी जानकारी, पर्सनल या प्रोफेशनल, मुझे चाहिए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने 10 साल के बच्चे को, कि जो बच्चा उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हो, उसे अकेले छोड़कर कहीं चली जाए। और बंसोड़े, ये रविकांत की भी खबर लेनी होगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र के बाद भी ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि उसने माधुरी को उसी वक्त बुलाया। सर, माधुरी के कॉल डिटेल्स आ गए। ये रविकांत, उसने भी उस दिन माधुरी को कोई कॉल नहीं किया। लेकिन सर, ये एक नंबर है जिस नंबर से पिछले हफ्ते माधुरी को कई बार कॉल आया था और माधुरी ने भी इस नंबर पर कई बार कॉल किया था। मतलब रेशमा ने मरा हुआ सांप मिलने के बाद फोन पर जिस झगड़े की बात की थी, ये वही नंबर है। इसी पर माधुरी को शक था। अजीब बात है कि माधुरी को सब कुछ पता होने के बावजूद माधुरी ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। तावड़े, हाथ यहाँ। सर। तावड़े, मुझे मार्क किए हुए नंबर्स के डिटेल्स चाहिए, ए टू जेड। ओके सर। पंचोड़े, माधुरी के इनकम टैक्स ऑफिस में जाके पूछताछ करो, वहाँ कुछ ना कुछ पक्का हाथ लगेगा। गरीब बड़े लोगों की बात क्या बताएंगे साहब, सब एक जैसे। ये लोग मुर्दी की जेब से भी पैसा खींच लेंगे। मतलब माधुरी भी रिश्वत लेती थी? अरे नहीं सर, माधुरी ने कभी रिश्वत नहीं ली, ये तो सारी बनाई हुई बात है। वैसे भी आपको तो पता होगा, इनकम टैक्स वाले बदनाम है इस चीज के लिए। शायद किसने ली हो, लेकिन माधुरी ऐसी नहीं है, शी इज अ क्लीन ऑफिसर। साहब, रविकांत सर पागल थे एकदम मैडम के लिए, और दोनों का लफड़ा भी चालू था। बकवास है, झूठ है ये सब। कोई अगर अपने कलीग के साथ कॉफी पी ले, खाना खा ले या हंसकर बात कर ले, तो ये लोग कहने लगते हैं इन दोनों का चक्कर चल रहा है, अफेयर है इन दोनों का। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उसका ऐसा रिकॉर्ड होता तो मैं क्यों उसके साथ शादी करता। सर माधुरी देसाई को जिस नंबर से फोन आता था, उसी का दूसरा नंबर है, उसी के नाम पर रजिस्टर है। देखिए, ये तो तय है कि यह नंबर वो खुद यूज़ नहीं करती थी। हो सकता है किसी को लेके दिया हो। पता करो माधुरी के डॉक्यूमेंट्स में किसने और कहां से कार्ड खरीदा था। ओके सर। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये पता चलता है कि कोई राखी मल्होत्रा, जो एक शिपिंग कंपनी की मालकिन है, उसके साथ माधुरी का झगड़ा चल रहा था। अब इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ ऐसे लोगों के झगड़े होते ही रहते हैं। क्या आप मुझे राखी मल्होत्रा का नंबर दे सकते हैं? जी। एक जिम्मेदार इनकम टैक्स ऑफिसर लापता है और आपको उससे ज्यादा इस बात का अफसोस है कि आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ा। जिम्मेदार माय फुट, आपको जो पूछना है जल्दी पूछिए, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। हम हमारा काम हमारे अपने तरीके से ही करेंगे। आप ये बताइए, माधुरी देसाई के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ था, किस वजह से आप दोनों में अनबन थी? शी इज अ करप्ट ऑफिसर, वो कोई जिम्मेदार ईमानदार नहीं है। क्या हुआ था आपके बीच? मेरी उसके साथ पहली बार तब मुलाकात हुई थी जब मेरे घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था। मेरे सारे ड्यूज क्लियर है, फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये नोटिस किस बात की आई है। रिलैक्स मिसेस मल्होत्रा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आपकी फाइल। सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि आपकी फाइल तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये नोटिस आपको क्यों भेजा गया है। Don't worry, टेंशन मत लीजिए। Excuse me.
यस सर। तुमने उसको ये क्यों कहा कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है? देखो तुम्हारा ईमानदारी का भूत जल्द से जल्द उतार दो, यहाँ से पैसे दिए बगैर जाने नहीं चाहिए। यस सर। क्या हुआ? मिसेस मल्होत्रा, आपके ऑफिस पे और घर पर रेड पड़ने की नोटिस आई है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। माधुरी मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं भी, पर अम्मी और अब्बू ने मुझे कसम दी और खाला की बेटी के साथ शादी करवा दी। जैसे मैंने शादी की, माधुरी ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। मैं आज भी उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसको मिलने चला गया। फैजल, फैजल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, तुम चले जाओ यहाँ से। माधुरी, माधुरी मेरी बात तो सुन, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, नहीं रह सकता तुम्हारी बिना। फैजल मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम जाओ यहाँ से। देखो सीधी तरह से मान जा, नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहा है? औकात क्या है तेरी? एक इनकम टैक्स ऑफिसर और बिल्डर के बीच का दलाल, यही औकात है तेरी? और अपने औकात के हिसाब से रहे और निकल यहाँ से, निकल, निकल जा मेरे घर से। उसने मेरी इज्जत उतार दी, गुस्से से मेरा दिमाग पागल हो रहा था। मैं बदला लेना चाहता था सर। एक दिन मुझे पता चला कि वो राजेश के साथ शादी कर रही है, ये सुनकर मेरा दिमाग और घूम गया। फिर उसी दिन मैंने उसको फोन किया। मैं राजेश के साथ शादी करूँ या किसी और से, इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। लोनावला के होटल में हमने एक वीडियो बनाया था, एक कपड़ा नहीं था तेरे बदन पे। सोच, अगर वो वीडियो लोगों ने देखा तो राजेश तो छोड़, दूसरा कोई भी तुझे घास नहीं डालेगा। मैंने उसे माहिम बुलाया, वो घर नहीं आई, पर आते ही उसने वीडियो मांगना शुरू किया। मैंने वो टालने के लिए उसे कहा कि वो वीडियो मेरे गांव के मोबाइल में है, तभी वो गांव जाकर वो वीडियो डिलीट करना चाहती थी, ताकि ये किस्सा यही खत्म हो जाए। फिर हम गांव जाने के लिए निकल गए। मैंने भी यही सोचा कि ये किस्सा आज के आज ही खत्म हो जाए। अब क्या हुआ? लगता है बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उतरना पड़ेगा। जैसे ही उसका ध्यान मुझ पर से हटा, मैंने मौका देखकर वहीं से ही पत्थर उठाकर पीछे से उसके सर पे मार दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको वहीं नीचे वाले जंगल में ले जाके दफना दिया। पता कहाँ दफनाया उसे? त्रिशूल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो, शायद हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे इसमें। पर यादव सर, आसपास के सारे मंदिरों में पूछताछ करो और जितने भी नाटक नौटंकी वाले हैं उनसे भी बातचीत करो। यस सर। कहाँ रहता था ये बाबा? सब गांव के बाहर एक कुटिया है, उसी में रहते थे। बैठो गाड़ी में बैठो। राम राम दरोगा साहब, मंदिर में क्या ढूंढ रहे हैं? गांव में सभी कह रहे हैं कि गांव देवी माता ने बाबा को मार डाला है,
इसलिए हम देख रहे थे कि माता का त्रिशूल यहाँ पे है या नहीं। क्या बात कर रहे हैं दरोगा साहब, अरे माता तो माता है, उनको त्रिशूल की क्या कमी है। तो वैसे आसपास देखो सर जी, देखिए बाबा बहुत भले आदमी थे साहब, वो सबका कल्याण करते थे, गांव में किसी के कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे साहब। इतने ही भले थे तो तुम्हारी देवी माँ ने मार क्यों दिया उसे? साहब हम लोग बहुत ही साधारण आदमी हैं, हम सब लोग उनको पहचान नहीं पाए, मगर देवी माँ उनको पहचान ली थी। वो जान चुकी थी कि देव बाबा ने जरूर कुछ पाप किया है, तभी उन्होंने पहले उनको धमकी दिया और उसके बाद उनको मार डाला। तुम कहते ऐसे रहे हो जैसे सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। साहब जी हमरी क्या, पूरे गाँव के सामने की बात है। बिल्कुल ऐसा ही त्रिशूल था वो जिससे बाबा का मर्डर हुआ। साहब हम एक कलाकार हैं, अपनी कला की कसम खाकर कह रहे हैं, हमारे यहाँ से एक त्रिशूल चोरी जरूर हुआ है, लेकिन चोरी के बाद कहाँ गया हमें नहीं पता। कब चोरी हुआ? इतनी देर से इशारा कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है बे तुम्हारा? त्रिशूल कहाँ है हमारा? त्रिशूल यही रखा है। चार ही है, हमारा कहाँ है? अरे हम लाके रखे हैं, सारा त्रिशूल यही लाके रखे हैं। एक मिनट हम नीचे देखते हैं, यहाँ तो नहीं पड़ा है। तारीख बोलो। साहब 1 तारीख को रिहर्सल के टाइम चोरी हुआ था शाम को। कोई छोटा मोटा बात नहीं हुआ है, एक आदमी की हत्या की गई है और मार कर जिस तरह पेड़ पर लटकाया है, कम से कम 4-5 लोग शामिल थे। तो इससे पहले कि हम पुलिसिया तरीका अपनाएं, सब कुछ सच सच बता दो। साहब हम जो देखे थे एकदम सच सच बता रहे हैं, देवी माँ का कसम साहब। छेदी भैया, छेदी भैया, छेदी भैया, वो फिर से आ गई है। कौन आ गई है? वही देवी जिसने देव बाबा को मारा था। देवी ने मारा? देखो हत्या में बरामद हथियार आप लोग के यहाँ से चोरी हुआ है, या फिर सभी लोग मिलजुल कर असली अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव अगर ये लोग मिलजुल कर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपराधी या तो इनके बीच में से ही कोई एक है, और या फिर इन सब को उस देव बाबा से कोई शिकायत थी। एक काम करो, इस देव बाबा का फोटो हेडक्वार्टर भेजो, शायद वहां से इसका कोई कुंडली निकल सके। और जब तक वहां से कोई रिपोर्ट आती है, इस चंपा के यहाँ जाकर ये पता लगाते हैं कि छेदी और उसके दोस्त हत्या वाली रात को नाच देखने गए भी थे या सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। साहब अब नाच के समय यहाँ कौन आता है कौन जाता है अब इसका हिसाब तो हम नहीं रख सकते ना, और वैसे भी हमें यहाँ आए हुए 10-12 दिन ही हुए हैं, इसीलिए ना तो हम किसी को नाम से जानते हैं और ना ही शकल से। 10-12 दिन से चल रहा है ना ये तमाशा, पुलिस परमिशन है? उखाड़ो ये तंबू अम्बू, लेकर चलो थाने। साहब साहब आप जो भी कहिएगा हम करेंगे, पर हमारा काम मत रोकिए। दिमाग पे जोर डालिए और याद करके बताइए कि ये लोग उस रात आए थे या नहीं। साहब हम अपने शो के रोज वीडियो बनाते हैं साहब, अगर ये लोग आए होंगे ना साहब तो उसमें जरूर दिख जाएंगे। दिखाओ वो वीडियो। साहब हम 2 मिनट में लेकर आ रहे हैं, जल्दी। सर इस वीडियो से तो ये साफ हो गया है कि छेदी लाल हत्या वाली रात को अपने दोस्तों के साथ नाच वाली जगह पे मौजूद था। उस बाबा की कुंडली का क्या हुआ? सर हेडक्वार्टर फोटो और खबर दोनों भेज चुका हूँ, 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तब तक ये पता लगाते हैं कि गौरी पर आने वाली देवी के बारे में
डॉक्टर का क्या कहना है? देखिए, गौरी के अंदर अभी तक ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं जिसे देख के ये पता चले कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है वो। देखो गौरी, ये बात तो पक्का है, ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। इस हत्या में और कौन कौन शामिल है बता दो। आप सच कह रहे साहब, हम कुछ नहीं जानते। गौरी को कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, शायद बीमारी के कुछ सिम्टम्स नजर आ जाएं। ठीक है। सर, छेदीलाल और उसकी बीबी पे बाबा का विशेष कृपा रहता था, हफ्ते में एक दो बार आना जाना लगा रहता था। धन्यवाद विक्रम सर, इस छेदी को थाने बुलाओ। जी सर। हाँ साहब, बाबा जी पर हमको बहुत विश्वास था। क्यों, ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया था उसने? शादी के 4-5 साल हो गए पर बच्चा नहीं हुआ, पैस से लेकर ओझा तक सबको दिखाया। ऐसे में देव बाबा हमारे गाँव आए, बड़ा भारी नाम सुने थे उनका, तो हम गौरी को लेकर उनके पास गए। जय हो देव बाबा की। बाबा, जय हो देव बाबा। तुमको बच्चा ना हो रहा है ना? हाँ बाबा। इधर आ मेरे पास, डर मत, इधर आ, हाथ दिखा। घबरा मत, बच्चा हो जाएगा, मगर इसका नाड़ा खोलना होगा। जी। किसी ने इसके पेट में टोटके वाला नाड़ा बांध दिया है, उसे खोलना होगा। और बाबा जी ने गौरी का जादू वाला नाड़ा भी खोल दिया। अब तक तू बाबा के कहने पर नाटक कर रही थी ना, अब हमारा कहने पर कर। पापी, बंद कर अपना ये ढोंग, हमने तुम्हें पहचान लिया है। फिर बाद में टुनटुन और द्वारका भी हमसे मिल गए, क्योंकि बाबा ने उन दोनों की पत्नी के साथ भी वही किया था साहब। सच सच बता, ये सब तूने अपनी मर्जी से किया या फिर चंपा ने तुझसे करवाया? और एक बात याद रखना, अगर झूठ बोला ना, डंडा भेगा भेगा के मारूंगा। बोल। साहब, हम एक नंबर का गधा आदमी थे साहब। हम चंपा का हर बात मानते थे, काहे कि उसको बहुत प्यार करते थे हम। साहब, हमको लगता तो हमसे प्यार करती है, अपना पति मानती है। साहब, एक दिन हम चंपा का पीछा करते करते देव बाबा का आश्रम पहुंचे। हम चंपा को देखे, देव बाबा के साथ नाच रही है। हमको साहब कुछ गड़बड़ लगा, हम साहब अगले दिन भी उसका पीछा किए, और जो हम खिड़की से देखे ना साहब, सारा भरम टूट गया। उस दिन से हमको देव बाबा से नफरत सा हो गया था साहब, कहानी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हम उसका जासूसी की है। हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, छेदीलाल उनका बहुत बड़ा भक्त था साहब, कहें कि उनका आशीर्वाद से इनको बच्चा होने वाला था। साहब, जब से छेदी को बच्चा होने वाला था, तभी से उनका भैरारू का ऊपर देवी माँ आती थी। हमको सब समझ में आ गया साहब, इसलिए हम छेदी को अपना प्लान में शामिल किए, ताकि हम उस बाबा को ना सबक सिखा सके। इसीलिए छेदी के सामने हमने देव बाबा का सारा भंडा फोड़ दिया। सब टुनटुन माँ का प्लान था, 4 जासूसी किताब पढ़ के बोला कि एकदम बढ़िया प्लान बनाया है। और फिर टुनटुन के प्लान के हिसाब से तुमने और द्वारका ने बाबा को मार दिया। सर, हम और द्वारका मारने गए थे, लेकिन वो हमारे हाथों से नहीं मरा।
उसको मार तो दिए, लेकिन अब होगा क्या? हमने कहा मारा है? इसको तो देवी ने मारा है ना? अब सुनो, सबसे पहले रस्सा लेके इसको ऊपर लटकाते हैं, उसके बाद छेदी तुम जाओगे गांव देवी को तैयार करने। हम और द्वारका जाएंगे नौटंकी, और तुम वहां से सीधे गांव से नौटंकी में आओगे। सुबह तक नौटंकी में बने रहोगे, और जब गांव के लिए वापस जाओगे ना, तो साथ में एक दो आदमी होना चाहिए जो गवाही दे सके कि तुम सुबह तक नौटंकी में थे। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले रस्सा से टांगते इसको। कितना भी जासूसी उपन्यास पढ़ लो, पुलिस चार हाथ आगे ही रहेगी। अब 20 साल जेल में बैठकर यही सबक दोहराते रहना कि अपराधी कितना भी चाल चल ले, आखिरी चाल पुलिस ही चलती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।